यस हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं कुश कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके के इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है आई क्यू एंड इजी लर्निंग। आज मैं छोटा सा वीडियो बनाना चाह रहा हूं। ये वीडियो उसके लिए है जो खास करके चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं कि वो उसको कैसे पढ़ें। बेसिकली अब तो सारे लोग तो एक्सपर्ट हो ही गए उसके कंटेंट को लेकर के, लेकिन फिर भी बहुत लोगों को मन में कन्फ्यूज रहता है, कन्फ्यूजन भरा रहता है, तो मैं उसके लिए छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, मैंने लगातार 3 बारी सीटेट क्वालिफाई करा था, तो उसके लिए मैं भी तो स्ट्रगल कर रहा था पैडागोजी को लेकर के, तो उसको मैंने ब्रेक किया, तोड़कर मैंने स्टडी करना स्टार्ट किया। तो मैं कोशिश करूंगा कि वो जो स्ट्रेटेजी मैंने जो अपनाया था उसी को मैं आप लोग तक सामने रखूं। देखिए, करो क्या आप लोग, सबसे पहली बात जो भी थिंकर्स होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना, सबसे पहले आप उन लोगों को ना एक ग्रुप में बांट दो, या फिर डे वाइज बांट दो, या फिर टॉपिक वाइज बांट दो। 3 टर्म है, डे के हिसाब से बांटो, या उनके जो एक फिलोसफिकल जो फील्ड है उसके अकॉर्डिंग बांट दो, या फिर आप एक एक यूनिट पकड़ दो, एक एक थिंकर को आप पकड़ दो, या फिर साइकोलॉजिस्ट आप जो कह सको। बाद बाकी जो एक्स्ट्रा टॉपिक आपके बचते हैं, जैसे इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा होता है, डेवलपमेंट अलग से आता है, इन्वायरमेंट आता है, क्लास के अंदर को करिकुलम एक्टिविटी आता है, वो सब्जेक्ट से रिलेटेड जो आते हैं उसको एक अलग सेक्शन में डाल दो। अब जैसे कि मैंने पहले बताया थिंकर्स के बारे में, जो आप एक डे वाइज कर लो, तो मैंने क्या किया था, मैं डे वाइज स्टडी करता था। मान लीजिए सपोज दैट 30 दिन है मेरे पास, तो आप क्या करो, शुरुआत के लिए 15 दिन है ना, 15 साइकोलॉजिस्ट को स्टडी करो। बाद में जो आपका जो 5 डेज बचेगा, 5 टॉपिक आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। जैसे कि 15 डेज का जो साइकोलॉजिस्ट को स्टडी करना है, 16 डेज से आप क्या करोगे, जैसे कि डेवलपमेंट स्टडी कर लो, 17 डेज में आप क्या कर लो, उसके को करिकुलर एक्टिविटी कर लो, 18 डेज में आप इंक्लूसिव एजुकेशन कर लो, 19 डेज में आप उसके डेवलपमेंट चाइल्ड का जो स्टेजेस है अलग से सेपरेट से जो बनते वो कर लो, और लास्ट डे जो बचा 20 डेज आप उसको क्या करो, जो सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं ना, जो मान लो मैथ्स के है, साइंस के है, फील्ड एक्सपेरिमेंट है, तो बच्चों के से ये काम कराए जा रहे हैं, वो काम कराए जा रहे हैं, तो उनसे वो क्या डेवलप करेंगे, खुद का विकास करेंगे, क्लास का इन्वायरमेंट क्या रहेगा, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या रहेगा, तो वो सब जो मिक्स रहता है वो लास्ट डे करो। और फिर मैं वापस आता हूँ 15 डेज, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो नहीं समझे फिर से मैं बता रहा हूँ। 1 महीने का आप शेड्यूल बनाओ CDP का, 15 दिन आप डिस्ट्रीब्यूट करो सबसे पहले थिंकर्स लोगों का, 5 दिन आप डिस्ट्रीब्यूट करो एक्स्ट्रा जो टॉपिक्स आपके हो, 20 दिन का ये होगा, 10 दिन का मैं अभी बाद में बताऊंगा, होल्ड। 15 दिन का जो मैंने जो शेड्यूल बताया, तो 1 दिन में 1 साइकोलॉजिस्ट को स्टडी करो, पढ़ो, उस पर पूरा क्या बोलो उसको ऑपरेशन करके रख दो, उसका DNA कर निकाल के रख लो क्या क्या उसमें है। अब देखो मैं क्या करता था, मान लीजिए फर्स्ट डे है, तो मैं 1 साइकोलॉजिस्ट को पकड़ा, उसको स्टडी किया, मैं 4 घंटे देता था। 4 घंटे क्या करता था, मैं जो बोल रहा हूँ ना आप उसे नोट डाउन भी करते जाओ, किसी को दिक्कत है तो मैं गारंटी दे रहा हूँ ना, 1 महीने आप पढ़ोगे ना तो अप्रूव। देखो ऑल ओवर इंडिया में जितने भी CDP के क्लासेस एग्जाम्स होते हैं ना टीचर्स के, जिसमें CDP टर्म आते हैं, उसमें मान लो 30 मार्क्स, 40 मार्क्स, 10 मार्क्स, 20 मार्क्स जो भी है, मैं गारंटी देता हूँ 75-20% आप आराम से कैच कर सके। बाद बाकी जो 20% या 25% जो बचेगा ना, वो आपको प्रैक्टिस से ही आएगा, ऐसे नहीं आने वाले, क्योंकि हर 30 क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन ऐसे देते ही हैं जो आपका दिमाग एट ए टाइम ऑन द स्पॉट परेशान करेगा ही करेगा। तो जो 15 दिन का है, मैंने क्या किया था, मैं 1 दिन में 1 साइकोलॉजिस्ट को पढ़ा, दूसरा दिन दूसरे को पढ़ा, तीसरा दिन तीसरे को पढ़ा, चौथा दिन चौथे को, पांचवा पांचवें को, इस तरह मैं स्टडी करता रहता था। एक बार में 1 दिन में 4 घंटे में देता था। टॉपिक को मैं 3 घंटे पढ़ता था, 1 घंटा रिवीजन करता था। यदि कोई छोटा टॉपिक आया, कोई भी एक साइकोलॉजिस्ट है जिसका फील्ड स्टडी फील्ड छोटा है, तो 2 घंटे में हो जाता था, फिर भी मैं 4 घंटे देता था। अब क्या करो आप लोग, मैं नाम दे रहा हूँ कुछ कुछ थिंकर्स का, आप उसे नोट डाउन करो सबसे पहले, और मैं जो बोल रहा हूँ वो करके देखो। अभी UPTET आने वाला है, उत्तराखंड आया हुआ है, CTET होने वाला है, आप 1 महीने इस पर फोकस करो। और बाद बाकी रहा नोट्स वगैरह का, जो भी आपके पास अवेलेबल है ना यार, आप उसी से पढ़ो। देखो नोट्स कभी खराब नहीं होते हैं, कोई गलत नहीं होता, कोई गाली नहीं ना देता, हाँ कंटेंट आगे पीछे मिलते हैं, तो प्रैक्टिस आप करोगे ना वो क्लियर होता जाएगा आपका, ठीक है। मैं कैमरे पर नहीं देख पा रहा हूँ आज, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए सबसे पहले मैं कुछ थिंकर्स को अभी जस्ट मैंने नोट डाउन किया है, कुछ कुछ थिंकर्स जो खास करके रिपीट करते हैं और एक्चुअली कंटेंट पकड़ के चलते हैं, आएगा ही आएगा, उसको आप कोई हटा नहीं सकता, ऐसा कंटेंट है, भले सिलेबस में कुछ कुछ आगे पीछे कर दे। तो सबसे पहले आप लिखो पियाजे, नोट डाउन करते जाओ जो जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है, पियाजे को आप लिखो। दूसरा मैं वाइगोत्स्की का लिखो, तीसरा मैं आप कोहलर का लिखो, फोर्थ में आप सिगमंड फ्रायड का लिखो, फिफ्थ में आप इरिक्सन का लिखो,
सिक्स्थ में, फिफ्थ में इरिक्सन, सिक्स्थ में स्पेयरमैन, जिसको चार्ल्स स्पेयरमैन भी बहुत नाम है करते हैं, ठीक है। फिर आप लिखो थॉर्नडाइक जी का, फिर आप लिखो हर्बर्ट गार्डनर का, फिर आप लिखो स्किनर का, फिर आप लिखो चॉम्स्की का, फिर आप लिखो कोहलर का, देन एक लिखो कफका का। कुल मिलाकर के 6 और 6, 12 साइकोलॉजिस्ट का मैंने नाम लिखाया है। रिपीट कर दे रहा हूं मैं, पियाजे, वायकोस्की, कोहलर, सिगमंड फ्रेड, इरिक्सन, चार्ल्स स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक, हर्बर्ट गार्डनर, स्किनर, चॉम्स्की, कोहलर एंड कफका। ये 12 थिंकर्स हैं। आप सबसे पहले 12 थिंकर्स को एक दिन में एक थिंकर पकड़ो, एक साइकोलॉजिस्ट को पकड़ो और स्टडी करना स्टार्ट करो। 12 थिंकर 12 दिन में कंप्लीट हो जानी चाहिए, आप ये टारगेट लेकर चलो। पियाजे यदि कुछ बड़ा कंटेंट है पियाजे को, क्योंकि देखिए वो देखने में 3-4 स्टेज तो वो दिए हैं वो, बट उसके अंदर भी कभी क्वेश्चन जाकर के पूछते हैं, तो आपको टाइम देना पड़ेगा। अब जैसे कि स्किनर का टर्म यदि मैं लूँ, तो एक चाहोगे आप शॉर्ट टर्म में समझ सकते हो, लेकिन कभी कभी के अंदर जाकर स्टडी करना पड़ता है, तो आप अपने हिसाब से टाइम बांट लो। मैं तो 4 घंटे देता था, आप देख लो 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे आप दो उसे, ये 1 महीने आप दोगे तो आपका काम चलेगा। तो एक दिन में एक थिंकर्स को स्टडी करो अच्छा से, आराम से टाइम निकाल कर, सेपरेट दो से टाइम, ठीक है। 12 थिंकर के 12 दिन में 12 थिंकर्स हो जाएंगे। सपोज दैट 14 दिन आप इसको रखो, कभी कभी आप टाइम ना दे पाओ, बिजी हो, संडे हो, मार्केट है, ये है वो, एक्स्ट्रा एग्जाम है, ये एग्जाम है, प्रैक्टिस सेट लगाना है, जो भी है, क्लासेस लेना ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी है, ठीक है। 14 दिन रखो, बाकी जो एक्स्ट्रा कंटेंट मैंने बताया था, इंक्लूसिव डेवलपमेंट है, को करिकुलम एक्टिविटी है, सब्जेक्ट रिलेटेड है, और भी कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक है, 3-4 दिन आप उसका रखो, तो आपको कुल मिलाकर के आपको जाओगे 17 से 18 दिन आप इस पर टाइम दो। बचा आपके पास 12 दिन रिविजन एंड एमसीक्यू, रिविजन एमसीक्यू पर डे भी रिविजन करना। 4 घंटे यदि आप दे रहे हो तो 3 घंटे कंटेंट में दो, 1 घंटे आप रिविजन में दो, 4 घंटे। बाकी 12 दिन में आप एमसीक्यू से रिलेटेड और टॉपिक रिवीजन, एमसीक्यू और टॉपिक रिवीजन 1 महीना, सिर्फ 30 दिन। आप ये 30 दिन काम करो, मैंने जो बोला उसे नोट कर लो, मैं अपने स्तर से जो काम किया था, ठीक है। मैं तो बेसिकली बहुत एग्जाम्स क्वालिफाई कर चुका हूँ, तो उसी के आधार पर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आप ये काम करो, मैं तो फर्स्ट टाइम में, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जो फर्स्ट सीटेट मैंने जो दिया था ना, मेरा CDP में आता था 12 नंबर 9 नंबर 14 नंबर 15 नंबर, बहुत हार्डली जाता था। फिर फाइनली दिमाग कंट्रोल किया, चीज़ को समझा, पहले तो लिस्ट बनाना शुरू किया कैसे स्टडी करनी है मेरे को, ठीक है। तो इसी तरह मैंने स्टडी करना शुरू किया था। अब देखिए ऑनेस्टली बता रहा, 30 out of 30 रेयरली मेरा आता है, 28-29 जाएगा। एक क्वेश्चन मैं गड़बड़ कर ही देता हूँ, खैर वो बात की बात है, मैं उतना भी एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट ठीक है, बच्चे खुश हैं मेरे से, तो इसलिए मैं कैमरे के सामने आता भी हूँ, ठीक है। तो जो मैंने बोला, एक दिन में एक साइकोलॉजिस्ट को स्टडी करो और उस पर टाइम दो, ठीक है। धीरे धीरे मैं इसी तरह बताता जाऊंगा, आप मोटिवेट होते रहो, खुद को मोटिवेट करो, और नहीं होगा जरूरत पर मैं आकर आप लोगों को मोटिवेट करता रहूँ, उसके लिए आप टेंशन नहीं लेना, ठीक है। चलिए ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना था, तो और एक और चीज़ लास्ट बता रहा हूँ, ठीक है। आप पढ़ोगे कहाँ से, ये सवाल आता है। यार देखो, कुछ भी है आपके पास, जो भी अवेलेबल है, आप पहले उसको स्टडी करो, बाद में आप दूसरा की और दूसरे तरफ जाने। देखो एक्चुअली होता है क्या कि 4 कंटेंट होते हैं ना, तो कभी लालच आता है मन में, अरे इससे भी पढ़ो, इससे पढ़ो, इससे पढ़ो, इससे पढ़ो, 4 घंटे का 16 घंटे हो जाएगा, एक टॉपिक भी ठीक से नहीं होगा। तो बेटर है कि एक जगह से पढ़ो, उसको आराम से पढ़ो, सॉफ्ट माइंड लेकर पढ़ो, फिर रिजिट कब होना है हमें फाड़ देना जब MCQ आएगा, तो ठीक है। तो पहले आराम से उसको स्टडी करो, समझो, और जो लग करके देखो, ट्राई करो, जो भी नोट्स है वहाँ से ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी आपके पास अवेलेबल करो। अब कभी कभी क्या होता है, ये कंटेंट इस बुक में ये लिखा हुआ है, फलाने टीचर ने ऑनलाइन ये बताया था, इस बुक में ये दिया हुआ, उस बुक में वो दिया होता है, ये प्रैक्टिस से आएगा। कब प्रैक्टिस होगा, आप जब PYQ लगाओगे ना, तो ये देखो कि बोर्ड वाले, CBSE वाले, NTA वाले ने क्या वो आंसर लेकर चल रहा है, वो कौन सा आंसर मार्क कर रहा है, तो वो आंसर को आप स्टडी करो। भले ही आपको लगेगा यार ये गलत है, तो ऑन दैट पॉइंट, ऑन दैट टाइम आपको तो फॉलो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत ऐसे जो साइकोलॉजिस्ट हाई लेवल के स्टडी हैं, जैसे इथिक्स का कुछ क्वेश्चंस आते हैं मेरे मन में, UPSC के जब मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं इथिक्स के, तो मैं तो हायर स्टडी के लिए पढ़ाई कर ही रहा हूँ, साथ में साथ जॉब भी है, स्टडी दोनों है, ठीक है। तो उस समय मैं क्या करता हूँ, मेरे मन में सवाल आते हैं, तो मेरे घर में जो भी हैं पापा जी हैं, या फिर जो हमारे घर में जो पुरोहित आते हैं, है ना, या फिर सीनियर टीचर, मैं हमेशा कांटेक्ट करता रहता हूँ, सवाल तो करता हूँ, जिनके जवाब आते हैं तो आते हैं, संतुष्ट हुआ तो हुआ, नहीं तो सवाल करता रहता हूँ 10 लोगों से, ठीक है। तो उसका सवाल आएंगे, तो PYQ पकड़ो, आप उसको स्टडी करो, तब आपका क्लियर होगा, ठीक है। एंड फिलहाल के लिए आज इतना ही, जो भी है आप आराम से करना, और फिर मैं एक वीडियो बना दूंगा इससे रिलेटेड, कोशिश करता हूँ मैं डेली आने का, बट आ नहीं पाता हूँ, ठीक है, तो दिक्कत होता ही रहता है, कोई बात नहीं। एंड थैंक यू वेरी मच,
और क्या बोलो, घर पर रहिएगा, आराम से रहिए, पढ़िए। और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक रिक्वेस्ट आप लोगों से, प्लीज़ इसको शेयर जरूर करिएगा। मैं बहुत सारे कोटेशंस लिखता हूँ, मैं पोएम लिखता हूँ, राइटिंग्स लिखता हूँ, स्टोरी लिखता हूँ, तो मैं अब कोशिश करूँगा आप लोगों को थोड़ा बहुत मोटिवेट भी करता रहूँ बीच बीच में, है ना, ऐसे तो घर पर करते रहता हूँ। तो खैर चलिए ठीक है, धन्यवाद। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, बड़ों से आशीर्वाद लेते रहिए, छोटों को प्यार देते रहिए। फिर मैं मुलाकात करूंगा, फिर मैं एक नया वीडियो लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तब तक ले थैंक यू वेरी मच।